Hello friends, how are you? I hope you are healthy and well-being. So welcome back to my channel. Myself Abhishek Kumar, I am your Balwadi mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. Today's topic is animal tissue. We discussed our previous video, the introduction of the structural organization in animal. But now we discuss about animal tissue. In animal tissue, basically we discuss about epithelium tissue. Epithelium, it is a part of the animal tissue. Animal tissue divided into four parts: what is epithelium tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. So today I discuss about epithelium tissue. So let's start the harvesting in a time. So first we read what written in NCERT textbook. After that we elaborate each and everything to be simple and easy manner. So I hope you really appreciated me or really enjoy this session. So let's start the harvesting in a time. So first we read what is in the NCERT textbook. So animal tissue, the structure of cell vary according to their function. जो हमारा cell होता है, cell क्या होता है, हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है. जो cell is the basic unit of life, ठीक है, basic unit of life, ठीक है, यानी life की जो है basic इकाई है. लाइफ की जो बेसिक इकाई है, हमारी सेल से ही मिलके हमारी बॉडी बनती है, सेल से मिलके हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके हमारे ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारी इंडिविजुअल बॉडी बनती है, ठीक है, किसी भी एनिमल की बॉडी बनती है या किसी भी प्लांट की बॉडी बनती है ना. कि जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होता है, उसी से ही सब कुछ मिलके बना होता है. तो द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है ना. डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट सेल का फंक्शन होगा. देयर फोर टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इंटू फोर क्लास, है ना. यानी जो होते हैं, इसी वजह से हमारे जो टिश्यू होते हैं डिफरेंट होते हैं, और उनको हम ब्रॉडली क्लासीफाइड करते हैं फोर टाइप में, है ना. फोर टाइप में उनको हम ब्रॉडली क्लासीफाइड कर देते हैं. कौन कौन से हमारा, पहला हमारा एपिथीलियम, है ना, पहला हमारा है एपिथीलियल टिशू है. सेकंड हमारा क्या है, कनेक्टिव टिशू, और थर्ड क्या है हमारा, मस्कुलर टिशू, और फोर्थ क्या हमारा, न्यूरल टिशू, है ना, जो हमारा ब्रेन में पाए जाते हैं. एपिथीलियम इसके नाम से ही पता चल रहा है. एपिथीलियम का मतलब क्या होता है, इपी का मतलब होता है बाहरी, है ना, बाहरी यानी आउटर, बाहरी, ठीक है. और थीलियम का मतलब होता है हमारा, थीलियम का मतलब होता है कवरिंग, है ना, जो बाहरी कवरिंग बनाएगा यानी बाहरी आवरण बनाएगा, है ना, उसको हम एपिथीलियम बोलते हैं, ठीक है. और जो हमारा हो गया कनेक्टिव, जो कनेक्टिव से नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जैसे हमारा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ना, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, है ना. और मस्कुलर टिश्यू में हमारी क्या आएंगी, मसल्स वगैरह आएंगी, है ना, इनमें क्या हम पढ़ेंगे, मसल्स वगैरह पढ़ेंगे, हमारे किस टाइप की मसल होती हैं, कितने टाइप की मसल्स होती हैं बॉडी में, वो हम देखेंगे. और न्यूरल टिश्यू के बारे में तो हम अपने ब्रेन से ही रिलेटेड है ये हमारा, है ना, ये हमारा ब्रेन से रिलेटेड है, ये सभी जानते हैं. सो आगे देखते हैं हमारा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू आज का जो टॉपिक है, एपिथेलियल टिश्यू. तो हमारा एपिथीलियल क्या है, वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथीलियम टिश्यू एज एपिथीलियम, है ना. जो हमारा होता है, हम जो कॉमनली एपिथीलियल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, एपिथीलियम से के नाम से जानते हैं, हम एपिथीलियल टिश्यू को एपिथीलियम बोलते हैं, ठीक है. इसमें क्या हमारा, इसका जो प्लूरल होता है, एपिथीलियम का प्लूरल जो होता है क्या होता है, एपिथीलिया होता है. एपिथीलियम का जो प्लूरल होता है क्या होता है, वो हमारा एपिथीलिया होता है. एपिथीलियल टिश्यू को हम एपिथीलियम बोलते हैं, है ना. इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, एपिथीलिया होता है, ठीक है. दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस, इस टिश्यू में क्या होता है, फ्री सरफेस होती है, विच फेस आइदर
विच फेस आइदर बॉडी फ्लूड और आउटसाइड इन्वायरमेंट दस प्रोवाइड द कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा एपिथीलियम होता है, एपिथीलियम टिश्यू को हम एपिथीलियल टिश्यू को हम एपिथीलियम बोलते हैं। और ये जो होती है इसमें क्या होती है, फ्री सरफेस होती है, इसमें फ्री सरफेस होती है विच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूड्स, या तो जो फ्री सरफेस होगा वो बॉडी फ्लूड से फेस करेगा, यानी बॉडी फ्लूड से कॉन्टेक्ट में होगा, या फिर आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट, या फिर बाहर एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में होगा, है ना। दस प्रोवाइड ए कवरिंग, और ये हमें क्या कवरिंग प्रोवाइड करवाता है, और हमारा इनर लाइनिंग, मतलब हमारे अगर बॉडी के अंदर है तो उसमें क्या होगा, इनर लाइनिंग प्रोवाइड कराएगा, है ना, लाइनिंग प्रोवाइड कराएगा फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी में कुछ पार्ट में लाइनिंग प्रोवाइड कराता है। तो इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसमें फ्री सरफेस होती है, जो कि फ्री सरफेस होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसमें बॉडी के पार्ट्स में कवरिंग या इनर लाइनिंग प्रोवाइड कराती है, या फिर वो आउटर इन्वायरमेंट में फेसेस करता है, या हमारी बॉडी के अंदर पार्ट में भी फेसेस करता है, ठीक है। द सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, जो इसकी सेल होती है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। कॉम्पैक्टली का मतलब होता है बहुत सघन तरीके से, है ना, घनी, सघन मतलब जिसको बहुत ठोस, है ना, सॉलिड तरीके से पैक होगी, ठीक है। सघन, कॉम्पैक्ट मतलब सघन, ठीक है, सघन होता है, सघन मतलब बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड होंगी आगे सेल। दी सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, है ना, इसमें कॉम्पैक्टली पैक होती है और इनमें लिटिल इंटर सेलुलर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स इज द ग्राउंड सबस्टेंस, है ना, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, ये ग्राउंड सबस्टेंस इसको हम बोलते हैं, ग्राउंड सबस्टेंस, जो कि हमारा आधार प्रोवाइड कराएगा, है ना, आधार प्रोवाइड कराएगा, बेस प्रोवाइड कराएगा किसी को, ठीक है, आधार प्रोवाइड कराता है, यानी बेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ द एपिथीलियल टिश्यू, जो हमारे एपिथीलियल टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है सिंपल एपिथीलियम और सेकंड होता है कंपाउंड एपिथीलियम। सिंपल से नाम से ही पता चल रहा है ये सिंपल होगा, इसमें ज़्यादा झोल नहीं होगा, इसमें ज़्यादा लोचा नहीं होगा। जो कंपाउंड है, कंपाउंड ये है, इसमें लोचा होगा, है ना, क्या लोचा होगा मैं आगे देखते हैं, ठीक है। सिंपल एपिथीलियम इज कंपोज ऑफ, जो सिंपल एपिथीलियम होता है वो हमारा क्या होता है, सिर्फ सिंगल लेयर से बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ द सेल से बना होता है, इसीलिए ये सिंपल है, है ना, जो हमारा सिंगल है भाई वो सिंपल है, सीधा साधा है, ठीक है। सिंपल एपिथीलियम कंपोज ऑफ सिंगल लेयर, है ना, वो हमारा जो बना होता है वो सिंगल लेयर ऑफ द सेल, सिंगल लेयर ऑफ द सेल से बना होता है। एंड फंक्शन, उसका फंक्शन क्या होता है ना, फंक्शन है लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, है ना, वो बॉडी कैविटी को लाइनिंग प्रोवाइड कराता है, लाइनिंग बॉडी कैविटी को लाइनिंग प्रोवाइड कराएगा, है ना। डक्ट्स एंड ट्यूब, बॉडी कैविटी को लाइनिंग प्रोवाइड कराया, डक्ट को और ट्यूब्स को, है ना, जो हमारी डक्ट्स होती हैं, हमारे जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें डक्ट्स पाई जाती हैं, जैसे हमारा लीवर जो होता है हमारा, क्या होता है, लीवर जो होता है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, ठीक है, ये बॉडी की क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है, ये बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। और जो इसकी डक्ट होती है वो क्या होती है, हिपैटिक डक्ट होती है, क्या होती है, हिपैटिक डक्ट होती है इसकी बॉडी की, ठीक है। इससे लीवर की जो होती है डक्ट होती है वो क्या होती है, हिपैटिक डक्ट होती है, है ना। और ट्यूब्स मतलब जो हमारे आर्टरी वेंस वगैरह, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, जिनको हम ट्यूब्स में कंसाइडर करते हैं। द कंपाउंड एपिथीलियम, अब कंपाउंड एपिथीलियम क्या होता है भाई, वो सिंपल एपिथीलियम तो हमने देख लिया कि ये सिंपल होगा, सिंगल लेयर से बना होगा, है ना, इसका जो फंक्शन होगा ये हमारी बॉडी को लाइनिंग प्रोवाइड कराएगा, कैविटी को, डक्ट्स को और ट्यूब्स को, है ना। बट जो हमारा कंपाउंड एपिथीलियम होता है, कंपाउंड एपिथीलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर, जो कंपाउंड एपिथीलियम होता है दो सेल से मिलकर बना होगा या दो से ज़्यादा मिलकर बना होगा, है ना, हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट टच इन अवर स्किन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा कंपाउंड एपिथीलियम हुआ, कंपाउंड एपिथीलियम हमारा दो सेल से मिलकर बना होगा या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होगा, और इसका जो ये क्या करेगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, ये हमारी प्रोटेक्शन का काम करेगा, जैसे कि हमारी स्किन जो होता है हमारा आउटर मोस्ट लेयर होती है बॉडी की, और हमारा क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम कराती है, उनको बहुत सी चीज़ों से बचाती है कि हमारे
बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जल्दी से आसानी से घुस ना पाए, ठीक है। स्किन हमारा प्रोटेक्शन का काम करती है, जो कि कंपाउंड एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, सिंपल एपिथेलियम फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, है ना। जब हम इसके स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के हिसाब से हमने क्या है, सिंपल एपिथेलियम को तीन टाइप में डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन। अगर हमसे कभी पूछा जाए स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के हिसाब से हमने सिंपल एपिथेलियम को कितने टाइप से डिवाइड किया है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको तीन टाइप से डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया, और कॉलमनर एपिथेलियम हो गया। स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है हमारा, वो क्या कराता है, हमारा डिफ्यूजन का काम कराता है, है ना। स्क्वैमस एपिथेलियम से हमारा डिफ्यूजन होगा, उसमें सिंगल लेयर होगी, इसलिए से अच्छे से वो डिफ्यूजन होगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है हमारा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है हमारा, एब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है, दोनों का काम कराता है, ठीक है। और जो हमारा होता है कॉलमनर एपिथेलियम होता है, उसमें भी हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, ठीक है, उसमें भी हमारा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है। तो हमको ये फिगर दिए गए हैं, फिगर हम बाद में देखेंगे, पहले टेस्ट में क्या लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, उसमें डिफ्यूजन होता है और सिक्रीशन होता है। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, उसमें क्या होता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है। और जो कॉलमनर होता है, उसमें भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम आगे देख लेते हैं, पहले द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इररेगुलर बाउंड्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, मैंने आपको बताया स्क्वैमस एपिथेलियम जो होगा उसका काम क्या होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम का काम होगा डिफ्यूजन और सिक्रीशन होगा उसका स्क्वैमस एपिथेलियम का काम, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम सिंगल लेयर होती है, सिंगल थिन लेयर होती है, फ्लैटेंड सेल इररेगुलर बाउंड्री। स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल होगी वो थिन लेयर होगी, फ्लैटेंड होगी, है ना, और उसकी बाउंड्री जो होगी इररेगुलर होगी, है ना, मतलब रेगुलर बाउंड्री नहीं होगी, कहीं पे होगी कहीं पे नहीं होगी, इसका मतलब हो गया इररेगुलर बाउंड्री, ठीक है। दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, हमारा जो डिफ्यूजन होता है, यानी जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम जो होगा हमारा, ये काम कराएगा किसका, डिफ्यूजन का। अब हमारा जो ब्लड डिफ्यूज होता है हमारी ब्लड वेसल से होता है, ठीक है। और हमारे जो एयर सैक्स होते हैं, एल्वोलाय जिसको हम बोलते हैं, उनसे हमारी गैसेस जो होती हैं, गैसेस एक्सचेंज होता है, वहाँ भी गैसेस एक्सचेंज भी होता है हमारा, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो इसलिए हमारी कहाँ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पर पाई जाएंगी, स्क्वैमस एपिथेलियम हमारी ब्लड वेसल्स में पाई जाएंगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स में पाई जाएंगी। और एयर सैक्स ऑफ लंग्स जिसको हम एल्वोलाय बोलते हैं, ठीक है, एयर सैक्स ऑफ लंग्स जिसको हम एल्वोलाय बोलते हैं, वहाँ पर पाई जाएंगी स्क्वैमस एपिथेलियम, क्योंकि इनका फंक्शन होता है डिफ्यूजन का, ठीक है। दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन, इनका फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री, यानी ये डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करेंगे, ठीक है, यानी यहाँ इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, ठीक है। और क्या है फिर, अब हमारा नेक्स्ट आया क्या, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इनकी जो सेल होंगी वो क्या होंगी, इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल होंगी वो क्यूब लाइक होंगी, ठीक है, क्या होंगी, क्यूब लाइक होंगी इनकी सेल, हम आपको फिगर में दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इनकी जो सेल होंगी वो क्यूब लाइक होंगी। और जो हमारा कॉलमनर एपिथेलियम होगा उसकी जो सेल होंगी वो कॉलम लाइक होंगी, नाम से ही पता चल रहा है, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कम्पोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल, है ना। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ये जो हमारा सिंगल लेयर कंपोज करता है, और उसकी जो सेल होती है वो कैसे होती है, क्यूब लाइक होती है, मैंने आपको बताया। दिस इज कॉमनली फाउंड इन, ये कहाँ पे पाया जाता है, दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया हमारा लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है, लीवर जो होता है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, इसकी जो डक्ट होती है वो हिपैटिक डक्ट होती है। तो ये यहाँ पे क्या पाया जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाएगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या था, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन था, है ना। और कॉलमनर का भी हमारा जो फंक्शन है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कोई चीज़ सिक्रीट भी करेंगी और कोई चीज़ एब्जॉर्ब भी करेंगी, मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, बने रहे मेरे साथ, है ना। तो ये हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे पाई जाती है, डक्ट ऑफ ग्लैंड,
ये डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में पाई जाती हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन यानी जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के होते हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड किडनी, हमारे जो क्यूबाइटल एपिथेलियम हो गया, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? डक्ट ऑफ ग्लैंड पे पाए जाएंगे और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, जो हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं उनके ट्यूबुलर पार्ट में ये हमारे क्यूबाइटल एपिथेलियम पाए जाते हैं। एंड इट्स मेन फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने आपको पहले बताया था जो इसका मेन फंक्शन होगा सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होगा। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस वर्ड का मतलब आपको बता देता हूँ। एपिथेलियम द प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, प्रॉक्सिमल में पी आया तो इसका मतलब पास, ठीक है, इसका मतलब हुआ पास, मतलब किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है ना, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि पास। जैसे मैं बोलूं कि मेरे चेस्ट के रिस्पेक्ट में, मेरे चेस्ट के रिस्पेक्ट में मेरा प्रॉक्सिमल हैंड का कौन सा पार्ट है, तो हमारा क्या है, शोल्डर आया, है ना, चेस्ट के रिस्पेक्ट में। और हम बोलें चेस्ट के रिस्पेक्ट में हमारा डिस्टल पार्ट कौन सा है हैंड का, तो हमारा क्या आ जाएंगे, फिंगर्स आ जाएंगी, ठीक है ना, फिंगर्स आ जाएंगी, यानी मेरे हाथ का पंजा आ जाएगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल या डिस्टल, ठीक है। डिस्टल का मतलब, प्रॉक्सिमल में पी आया तो इसका मतलब पास, और डिस्टल में डी आया तो उसका मतलब, देखो डिस्टल में क्या आया, डिस्टल में क्या आया, डी आया, है ना, डिस्टल में क्या आया, डिस्टल में आया हमारा, डिस्टल में आया डी, तो डी का मतलब दूर, है ना, तेवित्र डिस्टल में क्या आया, इसका मतलब हुआ दूर, यानी किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, हमारे चेस्ट के रिस्पेक्ट में हमारे हैंड का कौन सा पार्ट दूर हुआ, तो हमारी जाएंगी फिंगर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। जो हमारा क्या हुआ, जो एपिथेलियम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, तो आपने प्लांट किडनी है जो माइक्रोबलाई, है ना, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है प्रॉक्सिमल मतलब पास, विद रिस्पेक्ट टू नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के पास जो होता है वो हमारा होगा पीसीटी होगा, कॉन्वोल्यूटेड होगा, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होगा उसमें लहरदार टाइप के होंगे, है ना, मतलब किसी चीज़ में लपेटा हुआ, मान लो ये तार, एक मान लो ये पिलर है या तार है कुछ भी, मान लो इसी इसमें कोई चीज़ ऐसे लपेटी हुई है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्वोल्यूटेड, है ना। और ट्यूबवेल से हमारा पता चल रहा है, इसमें ये ट्यूब की बात कर रहे हैं, ट्यूब की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये ट्यूबवेल ट्यूब की बात कर रहे हैं, तो हमारा इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू नेफ्रॉन, इसलिए ये हमारा प्रॉक्सिमल हो गया, ठीक है। ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, नेफ्रॉन में, किडनी में क्या होता है हमारा, है जो माइक्रोविलाई, तो हमारी नेफ्रॉन की किडनी में क्या होते हैं हमारे माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई का मेन फंक्शन क्या होता है, इनक्रीज सरफेस एरिया, ना, ये हमारा सिर्फ सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उसमें एब्जॉर्प्शन जो होगा वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, एब्जॉर्पटिव सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसलिए एब्जॉर्प्शन जो होगा वो अच्छे से हो जाएगा, उसमें होगा एब्जॉर्प्शन जो होगा वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसका जो कॉलमनर एपिथेलियम का काम ही था, कॉलमनर एपिथेलियम का काम क्या था, सॉरी क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या था, कि उसमें जो हमारा सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होगा, कॉलमनर का भी काम था सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होगा, बट जो हमारा स्क्वामस एपिथेलियम था वहाँ पर सिर्फ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन होगा, ठीक है। तो हमारी इसमें होते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और नेफ्रॉन एंड किडनी हैज माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई जो होगी सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में हम देख लेते हैं। कॉलमनर उसके नाम से ही पता चल रहा है, इसकी जो सेल होंगी वो कॉलम लाइफ होंगी, ठीक है, मतलब वो कॉलम लाइफ होंगी, इस टाइप की कॉलम होता है ना, इस टाइप की होंगी, इनमें जो न्यूक्लियाई होंगे, इनके जो न्यूक्लियाई होंगे बेसल होंगे, यानी इनके न्यूक्लियाई जो होंगे बेसल न्यूक्लियाई होंगे, यानी बेस पे न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, इसलिए इनको बोलेंगे हम बेसल न्यूक्लियाई, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ ए सिंगल लेयर, जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है ये भी हमारा सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है, ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल, है ना, इनकी जो सेल होंगी टॉल होंगी यानी लंबी लंबी होंगी, सिलेंडर के आकार की होंगी और सिंगल लेयर की बनी होंगी, है ना। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, इनके जो न्यूक्लियाई लोकेटेड होंगे वो कहाँ पे लोकेटेड होंगे, कहाँ पे पाए जाएंगे, वो बेस पे पाए जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेसल न्यूक्लियाई, है ना, इनमें जो न्यूक्लियाई होंगे बेसल न्यूक्लियाई होंगे, बेसल न्यूक्लियाई होंगे यानी बेस पे पाए जाएंगे, ठीक है। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, अगर इनमें फ्री सरफेस हुआ यानी फ्री सरफेस पाया गया तो उसमें क्या होगा, माइक्रोविलाई होगा, माइक्रोविलाई का काम होता है एब्जॉर्बेटिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है।
दे आर फाउंड इन, ये हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमच एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको पहले बताया था इसका जो काम होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का होता है, और ये हमारे पे कहाँ पे पाए जाते हैं, सो लाइनिंग ऑफ स्टोमच, जो स्टोमच के ऊपर एक कवरिंग टाइप की बनाएगा, लाइनिंग बनाएगा, है ना, एक पतली सी परत टाइप की होगी, तो उसको बोलते हैं इनर लाइनिंग और लाइनिंग, ठीक है। ये स्टोमच में पाई जाएंगी और इंटेस्टाइन में पाई जाएंगी, और इनका जो काम होगा हेल्प इन सिक्रीशन में काम करेंगी और ये एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी, इसके दो मेन फंक्शन होते हैं, है ना। इफ़ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे कॉल सीलिएटेड एपिथीलियम, ठीक है। अगर जो हमारे कॉलमनर एपिथीलियम हो गए और क्यूबॉइडल एपिथीलियम हो गए, अगर इनकी सेल पे, अगर इनकी सेल में सीलिया हैं, इनकी सेल जो हैं वो सीलिया बियर किए हुए हैं, उनकी सेल में सीलिया हैं फ्री सरफेस में, यानी कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथीलियम की फ्री सरफेस में अगर सीलिया हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथीलियम बोलेंगे। और सीलिया का काम क्या होता है, सीलिया का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था मूवमेंट कराएंगे, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी चीज़ का मूवमेंट कराएंगे। जैसे हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोअन क्या था, है ना, जैसे हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था प्रोटोजोअन के बारे में, उसमें कई टाइप के प्रोटोजोअन थे, है ना, तो वहाँ पे हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोअन था। सीलिएटेड प्रोटोजोअन जो होता है हमारा क्या होता है, सीलिएटेड प्रोटोजोअन था हमारा, वो क्या था, पैरामीशियम था, जो पैरामीशियम था वो हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोअन था, उसमें सीलिया पाए जा रहे थे, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना मूवमेंट शो कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हमारा कॉलमनर क्यूबॉइडल एपिथीलियम की अगर फ्री सरफेस में सीलिया है तो उसको हम सीलिएटेड एपिथीलियम बोलेंगे, समझ गए होंगे आप, अच्छे से बताया मैंने। इसका फिगर हमको दिखाया गया 7.1 का डी, मैं आपको फिगर बाद में दिखाऊंगा, पहले टेस्ट में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। देयर फंक्शन इज टू मूव, सीलिया का फंक्शन क्या होता है, सीलिया का फंक्शन क्या होता है, देयर फंक्शन टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर एपिथीलियम, जो हमारा इसका सीलिएटेड एपिथीलियम का फंक्शन होता है, ये किसी पार्टिकल का मूवमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे कराएंगी, यानी पार्टिकल और म्यूकस का मूवमेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन पे कराएंगी पूरे एपिथीलियम में, ठीक है। दे आर मेनली प्रेजेंट इन, ये हमारे कहाँ पे पाए जाएंगे, दे आर मेनली प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, ये हमारी इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन पे पाए जाएंगे। हॉलो ऑर्गन क्या होते हैं, जो हमारे अंदर खोखले ऑर्गन होते हैं, मतलब जो पाइप लाइक ऑर्गन होंगे, अंदर वो ठोस नहीं होंगे यानी खोखले होंगे, हॉलो हम इसको बोलते हैं। ये हुआ इधर से इधर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको हम बोलते हैं हॉलो ऑर्गन, ठीक है, हॉलो बोलते हैं इसको, ठीक है। द फंक्शन इज मूव टू पर्टिकुलर म्यूकस स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर एपिथीलियम, दे मेनली प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन में पाए जाएंगे। जैसे हमारे इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो कि हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, वो हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स जो होंगे लंग्स में पाए जाएंगे, इनमें सीलिया होगा, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स जो होंगे हमारे इनमें सीलिया होगा, ठीक है, ब्रोंकिया या ब्रोंक्यूल्स, है ना, ट्रैकिया, है ना, जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा ट्रैकिया हो गया, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, ट्रैकिया हो गया, फिर लंग्स में हमारे एल्वोलाई वगैरह हर चीज़ होता है। जब मैं आपको रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ूंगा बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कन्फर्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा होता है फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये जो हमारा क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, इसमें भी सीलिया पाए जाते हैं, जो कि हमारा सीलिया में फैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, जब हमारा ओवा होता है, जब हमारे फीमेल में ओवा निकलता है मेंसुरल साइकिल के दौरान, तो वो ओवा को, स्पर्म को, ओवा को ये एक मैटिंग कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाएंगे और स्पर्म और ओवा मिलके वहाँ पे अपना क्या फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सीलिया का रोल होता है। अब हम लोग क्या है, सिंपल एपिथीलियम के जो हैं, सिंपल एपिथीलियम के हम फिगर से देख लेते हैं। सिंपल एपिथीलियम के बारे में मैंने पढ़ तो लिया, और उसके फिगर देख लिए, स्क्वामस एपिथीलियम का कैसा फिगर होता है, है ना, और हमारा उसके क्यूबॉइडल का क्या होता है, कॉलमनर का क्या होता है, और सीलिएटेड का क्या होता है।
ठीक है, जो हमारा स्क्वामस एपिथेलियम जो पहला हमारा फिगर दिया गया है, ये हमारा स्क्वामस एपिथेलियम का दिया गया है। इसकी जो सेल होती हैं सिंगल लेयर होती हैं, मैंने आपको बताया था, और इसको हम बोलते हैं पेवमेंट पेवमेंट एपिथेलियम, ये बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है, पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। पेवमेंट का मतलब होता है टाइल्स, है ना, जैसे हमारी टाइल्स लगती है ना, टाइल्स घरों पे टाइल्स लगती हैं, वो सिंगल लेयर होती हैं, पतली पतली होती है, इसलिए वहाँ पे डिफ्यूजन, जहाँ पे सिंगल लेयर है, अगर कोई एक रुमाल का एक पतला सा कपड़ा लेके उसमें हम कोई चीज़ छाने, है ना, कोई चीज़ डालें, तो उसमें क्या होगा, डिफ्यूजन अच्छे से हो जाएगा, उसका फिल्ट्रेशन अच्छे से हो जाएगा। अगर उसी को हम चार लेयर पे कर दें फिर कोई चीज़ छाने, तो वो छनेगी नहीं उसमें, यानी डिफ्यूजन अच्छे से नहीं होगा। इसलिए हमारा स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है वो अच्छे से डिफ्यूजन करता है, क्योंकि वो सिंगल लेयर होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और जो हमारा होता है सेकंड क्या, हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल मैंने आपको बताई थी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसमें उनकी जो सेल होंगी वो क्यूब लाइक होंगी, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल जो होंगी वो क्यूब लाइक होंगी, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्या दिया है, कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, जो कॉलमनर एपिथेलियम मैंने बताया था, उसकी जो सेल होंगी कॉलम लाइक होंगी, और उनमें जो न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, न्यूक्लियाई क्या पाए जाएंगे, वो बेसल न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, यानी बेस में न्यूक्लियाई हैं, यानी इनके जो न्यूक्लियस हैं वो बेस पे हैं, न्यूक्लियाई जो बेस पे हैं, ठीक है। और जिसमें हमारा क्या है, अगर कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सीलिया पाए जा रहे थे फ्री सरफेस, तो उनको हम बोल रहे थे सीलिएटेड एपिथेलियम, पर यहाँ पे हमको सिर्फ कॉलमनर का दिखाया गया है कि कॉलमनर एपिथेलियम में जो हैं वो सीलिया पाए जा रहे हैं, इसलिए हमारे ये कॉलमनर के हो गए सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे थे, ब्रोंकियोल्स में पाए जा रहे थे, और हमारे फैलोपियन ट्यूब में पाए जा रहे थे, जो कि हमारा ब्रोंकियोल्स जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, और फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं, जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। मैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। अब हम लोगों ने सिलेटेड एपिथेलियम के बारे में पढ़ लिया है ना, कि सिलेटेड एपिथेलियम में फ्री सरफेस में सिलिया पाए जाएंगे, जो कि म्यूकस का हो किसी पर्टिकुलर का स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो हमारा मूवमेंट शो कराएंगे, है ना। ये हमारे कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्रोंकियोल्स में पाए जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या है, ठीक है। सम ऑफ कॉलम जो होंगे, सम ऑफ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल गेट स्पेशलाइज्ड, कुछ हमारी कॉलमनर और कुछ क्यूबॉइडल सेल होती हैं, यानी क्यूबॉइडल सेल होती हैं, वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं फॉर सिक्रीशन, है ना, फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्रैंडुलर एपिथेलियम। इसका मतलब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, समझिए। जो हमारी कुछ कॉलमनर सेल होती हैं और क्यूबॉइडल सेल होती हैं, वो गेट स्पेशलाइज हो जाती हैं, है ना, वो एक स्पेशलाइज हो जाती हैं फॉर सिक्रीशन के लिए, अपने सिक्रीशन के लिए वो स्पेशलाइज हो जाती है हमारी कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल, है ना, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं, जो कि हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो किसी चीज़ का सिक्रीशन करती हैं, है ना, ग्लैंड से ही हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, है ना, ग्लैंड से ही हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, इसलिए हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम ये हो जाएंगी स्पेशलाइज हो जाएंगे फॉर अपने सिक्रीशन के लिए, सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज हो जाएंगी। दे आर मेनली टू टाइप, ये हमारी जो होती हैं ये हमारी टू टाइप की होती हैं, टू टाइप की कौन कौन सी होती हैं वो हम देख लेते हैं। दे आर मेनली टू टाइप, एक यूनिसेलुलर, और जो यूनिसेलुलर होगी, और एक होगी हमारी मल्टीसेलुलर। जो हमारी ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती हैं वो टू टाइप की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है यूनिसेल, मतलब एक सेल से मिलकर बनी होगी, है ना, यूनिसेल का मतलब होगा वो एक सेल से मिलकर बनी होगी। यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, आइसोलेटेड का मतलब होता है वो अकेला है ना, अकेला मतलब उसको कहीं अलग रख दिया गया, अकेला, ठीक है, वो अकेला है, उसके साथ और कोई नहीं है, आइसोलेट कर दिया गया, ठीक है, आइसोलेशन आइसोलेट कर दिया गया उसको, है ना। आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, जो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल होती है हमारी क्या होती है, गॉल्वेट सेल, गॉल्वेट सेल जो हमारी क्या है, म्यूकस का सिक्रीशन कराती है, गॉल्वेट सेल जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है, एनी एलिमेंट्री कैनाल में हमारी पाई जाती है गॉल्वेट सेल, ठीक है। एंड मल्टीसेलुलर सेल है ना, ग्लैंडुलर सेल, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में यूनिसेलुलर सेल मल्टीसेलुलर दोनों थी, तो हम इसमें मल्टीसेलुलर सेल में क्या हमारा, मल्टीसेलुलर मतलब उसमें एक चीज़ से मिलकर नहीं बनी होगी, इसमें बहुत सारी चीज़ होंगी, नाम से ही पता चला है मल्टी, है ना। मल्टीसेलुलर कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल, जो मल्टीसेलुलर होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें क्लस्टर ऑफ सेल, उसमें क्लस्टर ऑफ सेल होती है, मतलब झुंड होता है, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड में, ठीक है, झुंड। मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल, जैसे क्लस्टर ऑफ सेल जो होती है हमारी सेलेबरी ग्लैंड्स होती हैं, कितनी होती हैं, थ्री पेयर्स होती हैं,
थ्री पेयर्स होती हैं, ये मैं आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। थ्री पेयर्स होती हैं यानी सिक्स होती हैं, सिक्स होती हैं, थ्री पेयर और सिक्स होती हैं हमारी, जो मल्टी सेलर होंगी हमारी क्या होंगी, क्लस्टर में होंगी। और हमारी उसका एग्जांपल क्या है, हमारा एग्जांपल दिया गया सेलेब्रिक ग्लैंड, जो हमारी थ्री पेयर होती हैं यानी हमारी सिक्स सेलेब्रिक ग्लैंड होती हैं, मैं आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, इसका मतलब क्या हुआ, इनके सिक्रीशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग, पोरिंग का मतलब होता है उड़ेलना, उड़ेलना, ठीक है, ये सभी जानते होंगे, ठीक है। जैसे कि हम ग्लास में पानी लें, ठीक है, ग्लास में हम पानी लें और ग्लास के पानी को हम किसी बाल्टी पे डालें तो उसको बोलेंगे उड़ेलना, ठीक है, मतलब ग्लास का पानी बाल्टी में डालें, ठीक है, समझ रहे हो ना, या ज़मीन में डालें, कहीं भी डालें बट डालें, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ द पोरिंग और देयर सिक्रीशन ग्लैंड्स आर डिवाइडेड टू कैटेगरी, है ना, टू कैटेगरी में उनको कि मत उनका जो सिक्रीशन हो रहा है वो कहाँ पे कैसे हो रहा है, हैं, तो उसको हम टू कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, नेमली एग्जोक्राइन एंड इंडोक्राइन, है ना। एग्जोक्राइन का मतलब होता है, एग्जो का मतलब होता है बाहर, इंडो का मतलब होता है अंदर, है ना, एग्जो का मतलब होता है बाहर, एग्जो का मतलब होता है बाहर, बाहर, और इंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, इंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। उनके सिक्रीशन के हिसाब से, मतलब उनका जो सिक्रीशन हो रहा है वो कहाँ पे पोर कर रहे हैं ग्लैंड को, जो टाइम में टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, एग्जोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एग्जोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं वो देखते हैं हम, जो एग्जोक्राइन, एग्जोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, है ना, एग्जोक्राइन ग्लैंड होंगी वो क्या करेंगी, हमारा म्यूकस सिक्रीट करेंगी, सलाइवा सिक्रीट करेंगी और ईयर बैग सिक्रीट करेंगी, है ना, और हमारी ईयर बैग यानी हमारा म्यूकस सिक्रीट करेंगी, सलाइवा सिक्रीट करेंगी और हमारा ईयर बैग सिक्रीट करेंगी, और क्या सिक्रीट करेंगी, ऑयल सिक्रीट करेंगी और हमारा मिल्क सिक्रीट करेंगी, डाइजेस्टिव एंजाइम भी बनाएंगी, ठीक है, एंड अदर सेल प्रोडक्ट, और हमारे अदर सेल प्रोडक्ट भी बनाएंगी, कौन, हमारी एग्जोक्राइन ग्लैंड, एग्जोक्राइन ग्लैंड हमारी बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, क्या क्या बनाती हैं हम देखते हैं, फिर से देखते हैं, क्योंकि हमको एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि एग्जोक्राइन ग्लैंड का कौन सा प्रोडक्ट है, क्या क्या एग्जोक्राइन ग्लैंड से बनता है, ठीक है। एग्जोक्राइन ग्लैंड से हमारा क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है, ठीक है, सलाइवा बनता है, ईयर वैक्स बनता है, ऑयल बनता है, मिल्क बनता है और हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हैं एंड बहुत सारे अदर सेल प्रोडक्ट भी बनते हैं हमारे एग्जोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। अब हम देखते हैं, दे प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू डक्ट और ट्यूब, जो हमारी एग्जोक्राइन ग्लैंड होती हैं उसमें डक्ट पाई जाती हैं और ट्यूब पाई जाती हैं, जो हमारा इनका सिक्रीशन बनता है वो हमारा डक्ट और ट्यूब से हमारा रिलीज होता है, उनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, ठीक है। इन कॉन्टेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, जो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो क्या होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, इसका मतलब क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं हम इसको, इंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इनमें कोई डक्ट नहीं होती है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इनमें कोई डक्ट नहीं होती है, ठीक है। इनका जो सिक्रीशन होगा वो डायरेक्टली ब्लड में जाके मिलेगा, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड में जाके मिलेगा, उनमें डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होती है, देयर प्रोडक्ट कॉल हार्मोन्स, है ना, इनके प्रोडक्ट जो होंगे सीधे हार्मोन्स, जो इनके प्रोडक्ट जो होंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के जो प्रोडक्ट होंगे वो उनको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि हमारे सीधे डायरेक्टली ब्लड में जाके मिलते हैं, सिक्रीट डायरेक्टली इनटू फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, है ना, जो हमारा ग्लैंड के फ्लूइड बात कर रहा है उसके हम ब्लड बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें क्या बताया, हार्मोन्स, है ना, हार्मोन्स क्या होते हैं हमारे, हार्मोन्स क्या होते हैं हम आपको बताते हैं, हार्मोन्स को अगर हम हिंदी में बोलें, हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, ये पूरा प्योर हिंदी है भाई, मज़ा आ जाता है हिंदी में पढ़ने में, है ना। जो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और सीधे हमारे ब्लड में जाके मिल जाते हैं, हम उनको हार्मोन्स बोलते हैं। अगर हम इसी को इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में क्या होगा, हार्मोन्स
ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारे केमिकल मैसेंजर होते हैं, इनको हम केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर है ना। तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर विच इज सिक्रेटेड बाई अवर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड डायरेक्टली इन ब्लड, इट्स कॉल हार्मोन्स। यानी हमारे जो केमिकल मैसेंजर जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होते हैं और सीधे ब्लड में जाके मिल जाते हैं, उनको हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद हमारा आया कंपाउंड एपिथीलियम। कंपाउंड एपिथीलियम सिंपल एपिथीलियम हमने देख लिया, उसके बाद क्या आया हमारा कंपाउंड एपिथीलियम आया। कंपाउंड एपिथीलियम पढ़ लें हम। कंपाउंड एपिथीलियम, कंपाउंड एपिथीलियम मेड ऑफ मोर देन वन लेयर। कंपाउंड एपिथीलियम जो होता है एक से ज़्यादा लेयर से मिलके बना होता है। एक से ज़्यादा लेयर होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी लेयर बोल देंगे। यानी इसमें दो हैं लेयर, तीन हैं, बट एक से ज़्यादा हैं, है ना। ऑफ सेल कंपाउंड एपिथीलियम इज मेड अप ऑफ वन लेयर, मोर देन वन लेयर, यानी एक से लेयर से ज़्यादा मिलके बना होगा तो उसको मल्टी लेयर बोलेंगे। ऑफ सेल एंड दस हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। भाई मैंने आपको बताया था, एक रुमाल की कोई पतली एक परत ले लो, है ना, ये मान लो सिंपल है। अब इससे कोई चीज़, ये रुमाल की परत मान लो, इससे कोई चीज़ डालेंगे तो वो आसानी से छन जाएगी, है ना, वो आसानी से छन जाएगी। जैसे हम चाय छानते हैं, है ना, वो आसानी से छन जाएगी। तो इसका जो होगा सिक्रीशन में या डिफ्यूजन में इसका क्या होगा, रोल होगा। अब इसी की जगह हम यहाँ दो से तीन से चार से बहुत सारी परत लगा दें तो उसमें जो होगा ना वो सिक्रीशन या डिफ्यूजन जो होगा उसमें बहुत आसानी से नहीं होगा, है ना, उसमें आसानी से नहीं होगा जैसा कि सिंपल सिंगल लेयर में हो रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंपाउंड एपिथीलियम मेड ऑफ मोर देन वन लेयर यानी मल्टी लेयर सेल ऑफ दस हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। इसलिए इनका जो रोल होता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल होता है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथीलियम का मेन फंक्शन क्या होता है, कंपाउंड एपिथीलियम का जो मेन फंक्शन होता है, द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, है ना। यानी जो कंपाउंड एपिथीलियम का मेन फंक्शन होता है ये हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। प्रोटेक्शन किसके किसके प्रति प्रोवाइड कराता है, या वो केमिकल में कोई लोचा हो या फिर हमारा मैकेनिकल में लोचा हो। मैकेनिकल को हम बोलते हैं फिजिकल, है ना, मैकेनिकल को बोलते हैं फिजिकल, है ना। मान लो फिजिकल का मतलब कोई चीज़ हमारे चोट लग गई, है ना, कोई चोट हमारे लग गई तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल। यानी मैंने अपने हाथ से ही उठा के कोई चीज़ मार ली, है ना, ब्लेड मार लिया, कुछ भी मार लिया, तो ये हमारा फिजिकल हुआ। केमिकल क्या हुआ, जो हमारी बॉडी में केमिकल्स हैं उनके द्वारा कोई लोचा हो। अगर बॉडी का कोई केमिकल हमारा इलेक्ट्रो, जैसे हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, है ना, हमारे ब्रेन में होते हैं, अगर उनमें कोई लोचा हो तो वो हमारे केमिकल के अंदर आएंगे, है ना। न्यूरो ट्रांसमीटर इज द केमिकल, ठीक है, ए टाइप ऑफ केमिकल, है ना, उनमें कोई लोचा हो तो हम उसको बोलेंगे केमिकल स्ट्रेसेस। और मैकेनिकल स्ट्रेसेस को फिजिकल स्ट्रेस बोलते हैं, अगर कोई हमारी फिजिकल चीज़ से हमारे को प्रॉब्लम हुई, ठीक है, उससे हमारा प्रोटेक्शन कराएंगे हमारे क्या, कंपाउंड एपिथीलियम। ठीक है, कंपाउंड एपिथीलियम उससे हमारा प्रोटेक्शन करवाएंगे। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ये हमारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्या करते हैं हमारे ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन की जो सरफेस होती है उसको कवर करते हैं। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस, जहाँ पे देखो जहाँ पे फ्रिक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपको सिंपल बताता हूँ मैं, जहाँ पे फ्रिक्शन होने के चांस ज़्यादा होंगे, जहाँ पे किसी चीज़ की रगड़ लगने के चांस ज़्यादा होंगे, रगड़, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको रगड़, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा कंपाउंड एपिथीलियम पाया जाएगा, है ना, क्योंकि सिंपल से वहाँ पे काम नहीं होगा, है ना। यहाँ पे हमारी जैसे हमारी स्किन है इन्वायरमेंट में खुली रहती है तो वहाँ पे हमारा फ्रिक्शन होने के चांस ज़्यादा है। बाइक से जा रहे हैं, कहीं गिर गए, छिल गए, तो हमारी स्किन में फ्रिक्शन हो जाएगा, छिल जाएगी, तो वहाँ पे हमारा प्रोटेक्शन के लिए हमारे कंपाउंड एपिथीलियम पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारा स्किन में पाए जाते हैं, ठीक है, स्किन के सरफेस में पाए जाते हैं, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, है ना, यहाँ पे बक्कल कैविटी में भी पाए जाते हैं हमारे कंपाउंड एपिथीलियम, है ना। फायरिंग्स में पाए जाते हैं, और हमारे क्या होते हैं, फायरिंग्स इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, और हमारी सलाइवरी ग्लैंड की इनर लाइनिंग में भी पाए जाएंगे, है ना, कवरिंग टाइप की बनाएंगे, यहाँ वहाँ पे भी प्रोडक्शन करेंगे सलाइवरी ग्लैंड के। एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, है ना, जो कि हमारी पैंक्रियाज से पाई जाती है, पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, उसमें भी पाए जाएंगे। और भी जगह पाए जाते हैं, जैसे हमारे जो होती हैं
कंपाउंड एपिथेलियम और भी हमारे पाए जाते हैं, जैसे मॉइस्ट सरफेस ऑफ वजाइना, जो हमारी वजाइना की मॉइस्ट सरफेस होती है, अंदर की जो मॉइस्ट सरफेस होती है, नमी वाली सरफेस होती है, वहाँ पे भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, वहाँ पे भी फ्रिक्शन होने के चांस होते हैं ड्यूरिंग द मैटिंग, है ना, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन और सेक्सुअल इंटीमेशन। ठीक है, तो हमारा मॉइस्ट सरफेस होता है वजाइना में, मॉइस्ट सरफेस ऑफ वजाइना यानी जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव में रिप्रोडक्शन यूनिट जो होती है, वजाइना इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव, सभी जानते हैं। ठीक है, तो वहाँ की मॉइस्ट सरफेस होगी, वहाँ पे फ्रिक्शन होने के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटीमेट, है ना, जब हम सेक्स के दौरान हमारे वहाँ पे फ्रिक्शन होने के चांस होते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाएगा। ठीक है, और हमारे सलाइवरी ग्लैंड में भी पाई जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट में पाई जाती हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट में पाई जाती हैं, हमारी जो स्किन की होती है सरफेस वहाँ पे पाई जाएंगी, बकल कैविटी में पाई जाएंगी, फेरिंग्स में पाई जाएंगी, या फिर हमारे कंपाउंड एपिथेलियम पाए जाते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम का हम फिगर आपको बाद में दिखाएंगे, तो पहले हम पढ़ लेते हैं टेस्ट में क्या लिखा है कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम हमारा हो गया, मैंने बता दिया आपको, अब उसका फिगर देख लेते हैं, उसके बाद ही आगे चलते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलियम का फिगर देख लें, उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। तो कंपाउंड जो हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम थी हमारी, उसमें यूनिसेलुलर थी और हमारी मल्टीसेलुलर थी, है ना, तो यूनिसेलुलर थी मल्टीसेलुलर थी। यूनिसेलुलर जो थी हमारी सिंगल लेयर से मिलकर बनी हुई थी, यूनिसेलुलर ग्लैंड थी। ठीक है, मल्टीसेलुलर उसमें एक सेल से ज़्यादा से मिलकर बनी थी, है ना, जो मल्टीसेलुलर जो होती है हमारी वो इन्वेजिनेशन ऑफ इपिथिलियम। ठीक है, ये इपिथिलियम की इन्वेजिनेशन से बनता है। इन्वेजिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, मान लो किसी चीज़ का मतलब धसा हो, है ना, मान लो कोई ये नॉर्मल चीज़ है, ये कोई ऐसे सीधा सीधा चीज़ है, अब इसमें कोई चीज़ लगा दो, है ना, कोई चीज़ मतलब ऐसे दबा दो तो ये इन्वेजिनेट हो जाए, उसके अंदर घुस जाए, ये घुस जाएगी तो उसका क्या होगा, वो ऐसे ऐसे नीचे इन्वेजिनेशन ऐसे बन जाएगा, है ना, तो ये इन्वेजिनेशन बन गया ये, तो इसको हम इन्वेजिनेशन बोलते हैं। तो जो हमारी मल्टी सेलर होती हैं वो इन्वेजिनेशन ऑफ इपिथिलियम से बनती हैं, यानी इपिथिलियम के इन्वेजिनेशन से बनती हैं। ठीक है, जो हमारी यूनि सेलर थी वो सिंगल लेयर से बन के बनेंगी, और ये हमारी मल्टी सेलर बहुत सारी लेयर से मिलके बनेंगी, है ना, जो कि हमारी ग्लैंड्स वगैरह बनाती हैं। ठीक है, मैंने देख लिया, अब उसके बाद ये क्या हमारा कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जांपल देख लेते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम में भी हमारा कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम भी बोल सकते हैं इसको हम भाई, क्योंकि बहुत सारी लेयर से मिलकर बना हुआ है ना, इसमें मल्टी लेयर्स हैं। ठीक है, तो इसमें सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का लिमिटेड रोल होगा, सिर्फ ये हमारा क्या कराएगा, ये हमारी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन का काम कराएंगी, ये हमारी जो काम कराएगी क्या कराएगी, प्रोटेक्शन का काम कराएगी। मैंने देख लिया है कहाँ कहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगी, वो हमने अच्छे से देख लिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जंक्शन क्या होते हैं, है ना, वो हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, ऑल सेल इन इपिथिलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, सॉरी लिटिल इंटर सेलुलर मटेरियल। ठीक है, जो होती हैं आल सारी की सारी इपिथिलियम की सेल होती हैं, वो हमारी जुड़ी होती हैं, हेल्ड टुगेदर का मतलब, हेल्ड मतलब जुड़ी होना, ठीक है, या पकड़े होना, बात वही है समझने, सिर्फ भावनाओं पर जाओ, बातों पे नहीं। ठीक है, जो हमारा होता है आल सेल इन इपिथिलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटर सेलुलर मटेरियल, है ना, तो हमारी सारी की सारी इपिथिलियम की सेल होती हैं वो हमारी लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल के साथ जुड़ी होती हैं या हेल्ड होती हैं। ठीक है, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, जो हमारे लगभग नियरली का मतलब होता है हमारा लगभग, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हमारा लगभग, मतलब लगभग जितने भी एनिमल टिश्यू हैं उनमें क्या होता है, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल सेल। तो इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ कि हमारे जितने भी एनिमल टिश्यू होते हैं उनमें
स्पेशलाइज जंक्शन होते हैं, कुछ स्पेशलाइज जंक्शन होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या कौन कौन से स्पेशलाइज जंक्शन होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो प्रोवाइड कराते हैं बोथ स्ट्रक्चरल यानी उसके स्ट्रक्चर का और उसके फंक्शन का इंडिविजुअल सेल के बीच में लिंक है ना, जुड़ाव है ना, उनका लिंक प्रोवाइड करवाएंगे है ना, लिंक प्रोवाइड करवाएंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन इंडिविजुअल सेल में। ठीक है, थ्री टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो सेल होते हैं एनिमल टिश्यू में तीन टाइप के जंक्शन पाए जाते हैं, थ्री टाइप ऑफ सेल जंक्शन फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू, एपिथेलियम में और अदर टिश्यू में तीन टाइप के जंक्शन पाए जाएंगे। कौन कौन से जंक्शन होते हैं वो हम देखते हैं, उसमें जंक्शन कौन कौन से होते हैं, उसमें जंक्शन होते हैं टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। ठीक है, टाइट से उसके नाम से ही सारे उनके आंसर हमको मिल सकते हैं। ठीक है, टाइट का मतलब हुआ टाइट, जैसे हम बॉटल का ढक्कन बोलते हैं ना, बॉटल में हमने कोई चीज़ डाला, पानी डाला, मिल्क डाला, कुछ भी डाला, उसको बोलते हैं हम बॉटल का ढक्कन टाइट कर दो। तो क्यों टाइट कर दो, कि उसमें जो चीज़ भरी हुई है, जो चीज़ उसमें मटेरियल है, वो बाहर लीक ना करें। ठीक है, टाइट जंक्शन जो होंगे लीकेज प्रोवाइड कराएंगे, हमारी क्या होगा लीकेज प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये हमारी जो होंगे लीकेज को रोकेंगे, टाइट जंक्शन हमारे लीकेज को रोकेंगे। और एडहेरिंग जंक्शन होते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है, एडहेरिंग मतलब एडिशन। ठीक है, एडिशन यानी ये किसी चीज़ को जोड़ेगा, क्या करेगा, जोड़ेगा, दो चीज़ों को जोड़ेगा, ये एडहेरिंग। ठीक है, और जो गैप जंक्शन की बीच से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम में क्या है, गैप मतलब किसी सेल, मान लो ये सेल एक हुई, एक सेल ये सेल हुई, तो इनके बीच जो हुआ ये क्या हुआ, गैप हुआ। जब किसी चीज़ के बीच में गैप है तो वहाँ पे क्या होगा, आदान प्रदान हो जाएगा चीज़ों का, है ना, ट्रांसमिट हो जाएंगी, एक चीज़ इधर से दूसरी चीज़ उधर से ट्रांसमिट हो सकती है, यानी वो कम्युनिकेशन हो जाएगा, दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो हम देख लेते हैं टेस्ट में क्या लिखा हुआ है, मैंने अपने सिंपल तरीके से आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा, बट टेस्ट में लिखा क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, टाइट जंक्शन क्या होता है, टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सबस्टेंस लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। मतलब क्या हुआ, टाइट जंक्शन जो होगी वो हमारी लीकेज को स्टॉप करेंगी, टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सबस्टेंस फ्रॉम लीकेज अक्रॉस ए टिश्यू, जो हमारे टिश्यू में लीकेज होगा उसको हमारा टाइट जंक्शन प्रोवाइड कराएगा, मतलब लीकेज को रोकेगा। ठीक है, रोकेगा लीकेज को। उसके बाद हम देखते हैं एडहेरिंग जंक्शन क्या हुआ, हमने आपको बताया था सीमेंटिंग का काम करेगा, दो चीज़ को जोड़ने का काम करेगा, है ना। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग, जैसे सीमेंट क्या होती है हमारी भाई, सीमेंट जो होती है, दो दीवार बनती है हमारी, एक ईंट, ये मान लो ये एक ईंट होगी, इसके बीच में सीमेंट रख दिया, ठीक है, यहाँ पे सीमेंट रख दिया और एक ईंट ये है, तो ये दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रही है, यानी सीमेंटिंग का काम कर रही है, जो हमारी होगी क्या होगा, एडिशन होगा, एडहेरिंग जंक्शन होगा, वो हमारा दो चीज़ को जोड़ने का काम करेगा, यानी एडहेरिंग का काम करेगा, जो सीमेंट होती है हमारी दीवार में ईंटों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, उसी तरह से हमारा यहाँ पे जंक्शन भी काम करेगा, एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नॉवर्जिंग सेल टुगेदर, यानी दो पड़ोस वाली आसपास वाली चीज़ों को जोड़ने का काम करेगा एडहेरिंग जंक्शन। उसके बाद देखते हैं हम गैप जंक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था गैप जंक्शन के बीच, यानी दो सेल के बीच में गैप है तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा चीज़ों का, एक आदान प्रदान हो जाएगा, कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल। ठीक है, गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू सेल कम्युनिकेशन, है ना, ये गैप जंक्शन जो होता है हमारा सेल टू सेल के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिट कराता है, यानी सेल टू सेल के बीच में कम्युनिकेशन होता है। किन किन चीज़ों में कम्युनिकेशन हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें उनमें ट्रांसमिट होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, वो मैं देखता हूँ आगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म, है ना, उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करा लेंगी, और साइटोप्लाज्म जो होता है हमारा मेन अरेना होता है, साइटोप्लाज्म द मेन अरेना फॉर सेलुलर एक्टिविटी, है ना, सेल की एक्टिविटी होने के लिए साइटोप्लाज्म जो होता है मेन अरेना होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, मेन एरेना
main arena for cellular activity. यानी सेल की एक्टिविटी की होने के लिए हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में भी हमारी सारी की सारी सेल की एक्टिविटी जो होगी साइटोप्लाज्म में भी होगी, क्योंकि मेन एरेना होता है वो। ठीक है, ये हम आपको आगे आने वाले चैप्टर में बताएंगे बहुत अच्छे से, जब सेल का टॉपिक पढ़ेंगे हम, है ना, साइटोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा मैं। जो हमारा गैप जंक्शन क्या हो गया, फैसिलिटेट द सेल टू सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय द कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल, है ना, जो हमारी साइटोप्लाज्म सेल एडजॉइनिंग सेल जो जोड़ने वाली सेल्स हैं जिसके बीच में हमारा वो कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके सेल को कनेक्ट कर लेंगे, यानी साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके वहाँ पे एक्सचेंज कराएंगे। अब हम इसमें क्या क्या ट्रांसफ़र हो सकता है, मैंने आपको बताया था गैप में तो ट्रांसफ़र का काम करेंगे, तो इसमें फॉर रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ आयन, यानी वहाँ पे कम्युनिकेशन सेल टू सेल होगा तो रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ आयन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। स्मॉल मॉलिक्यूल, कुछ हमारे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ सम टाइप कुछ बड़े मॉलिक्यूल होंगे, गैप जंक्शन में हमारे इन्हीं का हमारा क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, कम्युनिकेट होगा, कम्युनिकेट होगा सेल टू सेल के बीच में, तो हमारे ये ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो अब हम आने वाले अपने चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, आने वाले अपने वीडियो में पढ़ेंगे हम, उसके बारे में देखेंगे हम, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखेंगे, फिर हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में देखेंगे, और फिर हम न्यूरल टिश्यू के बारे में देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जैसे मैंने कॉन्सेप्चुअल तरीके से इस वाले वीडियो में बताया उससे अच्छे तरीके से मैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताऊँगा। सो आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो इफ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो विथ फ्रेंड, एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन माई सोशल मीडिया हैंडल सो आई प्रोवाइड लिंक इन अबाउट सेक्शन ऑफ माई चैनल, तो प्लीज गो थ्रू एंड क्लिक द सोशल मीडिया आइकन एंड जॉइन विद अस, सो लेट स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कीप सपोर्ट। Bye-bye. Take care.